एक बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक कबूतर रहता था और उसकी दो बेटियां थीं। कबूतर की पत्नी पहले ही मर चुकी थी और कबूतर ने अपनी दोनों बेटियों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। एक बेटी टूनी थी और दूसरी गोरी कौवी थी। अब वो दोनों लड़कियां जवान हो जाती है। कबूतर को बड़ी फिक्र लग जाती है। कबूतर उन दोनों की शादी कर देता है। कबूतर अपनी बड़ी बेटी टूनी चिड़िया को एक कुमार के यहाँ दे देता है। वह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करती थी और छोटी बेटी कौवी को वह एक किसान के यहाँ दे देता है। दोनों ही बेटियां बड़े खुश रहती है। कबूतर की दोनों बेटियां ससुराल चली जाती है और कबूतर पूरे घर में अकेला ही रहता है। अब एक दिन की बात है कि कबूतर को अपनी बेटियों की याद आ रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं बारी बारी से अपनी दोनों बेटियों से एक बार मिलकर आ जाऊं। फिर कबूतर अपनी बेटियों से मिलने के लिए घर से चल देता है। कबूतर अपनी बड़ी बेटी टूनी चिड़िया के यहाँ पर चले जाता है और टूनी चिड़िया अपने पिताजी का अच्छा सम्मान करती है, उन्हें अच्छा खाना खिलाती है और फिर कबूतर कहता है कि बेटी अब मुझे चलना चाहिए, अब तुम्हारी छोटी बहन से मिलकर आऊँगा। तो टूनी चिड़िया कहती है कि पिताजी आज हम इस साल हमने बहुत मेहनत की और अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। तुम ईश्वर से प्रार्थना करना कि कहीं बारिश ना आ जाए, अगर बारिश आ गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो वह फिर कबूतर वहाँ से अपनी छोटी बेटी के घर की तरफ चल देता है। कबूतर अपनी छोटी बेटी गोरी कौवी के यहाँ पर चला जाता है। गोरी कौवी अपने पिताजी को आते हुए देख बहुत खुश हो जाती है और उसे अच्छे से स्वागत करती है और अच्छे से पकवान बना के खिलाती है। फिर अपने खेतों में उसे ले जाती है और फिर कबूतर कहता है कि बेटा आप मुझे चलना चाहिए। तो गोरी कौवी कहती है कि पिताजी इस साल हमारी फसल बहुत ज़ोरदार है, अगर पानी आ जावे तो हमारी फसल बहुत बढ़िया रहेगी, वरना हमें बहुत नुकसान लग जाएगा। अब कबूतर वहाँ से चल देता है। अब कबूतर परेशान हो जाता, एक बेटी पानी चाहती है और एक बेटी नहीं चाहती है। अब कबूतर बहुत देर सोचने के बाद फिर उसने एक फैसला किया और फिर अपनी बड़ी बेटी के पास गया। अब कबूतर अपनी बड़ी बेटी टूनी चिड़िया से कहता है कि बेटी देखो, अगर बारिश नहीं हुई और तुम्हारा मुनाफा हो जाए तो तुम अपने मुनाफे में से अपनी आधी कमाई अपनी छोटी बहन को दे देना। वह टूनी चिड़िया कहती है जी पिताजी। अब कबूतर अपनी छोटी बेटी गोरी कौवी के यहाँ पर जाता है और गोरी कौवी से कहता है कि बेटा अगर अच्छी बरसात हो गई और तुम्हारे खेतों में मुनाफा आ गया तो तुम अपने मुनाफे में से आधा मुनाफा अपनी बड़ी बहन टूनी चिड़िया को दे दोगी। तो वह गोरी कौवी कहती है कि जी पिताजी मैं दे दूंगी। तो कबूतर ने दोनों बेटियों के लिए रास्ता निकाल लिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हमें किसी को नुकसान हो जाए और किसी को फ़ायदा हो जाए तो जिसे फ़ायदा हो जाए वह आदमी जिसे नुकसान हो जाए उसको कुछ रकम दे दे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमारे